अगर आपको जिंदगी की कॉमेडी इंजॉय करनी है तो तीली के चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। पीछे मत पलटना, अच्छा एक्नॉलेज मत करना। क्या कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं से आ रहे हो तुम लोग क्या? हाँ, दोस्त की शादी से। हाँ भैया, आजकल तो डे वेडिंग का ट्रेंड चल गया है। ओह ब्यूटीफुल, कितना प्यारा जोड़ा पहना है। कहीं से खरीदा है या खुद बनवाया है? नहीं नहीं, जैन की अम्मी ने गिफ्ट किया था। अच्छा, तो तुम्हारा नाम जैन है और तुम्हारा नाम? आयजा। माईसेल्फ सीमा। तुम लोग के सामने वाले तो अपार्टमेंट में रहती हूँ, जैन तो मुझे अक्सर नज़र आ जाता है लेकिन तुम तो कभी भी नज़र नहीं आई। मैं तो समझ रही थी कि ये बैचलर है, जब भी इस पर इतनी कड़ी नज़र रखती थी मैं। फिर मैं सोचती थी कि हमारी फैमिली वाले अपार्टमेंट में ये बैचलर क्या कर रहा है। ये तो वैसे अभी भी किसी बैचलर से कम नहीं है। आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, ग्रॉसरी करके आई हैं, नेक्स्ट टाइम सुकून से बैठ के चाय ज़रूर पियेंगे आपके साथ। तो चलो। आपको तो पता ही है कि जब किसी इवेंट पर जाते हैं तो मैस हो ही जाता है। अरे भैया, जब मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ ना तो पूरा घर समेट के जाती हूँ ताकि वापस आऊँ तो सुकून से रहूँ। चाय? मैं बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ। हाँ ना, आई इंसिस्ट। लगता है तुम लोग को बाहर के खाने का बहुत शौक है। ये घर में खाना वाना बनाने का शौक भी है या नहीं? चीनी कहाँ है आयजा? लेफ्ट वाले कैबिनेट में चेक करो, वहीं रखी होगी। नमक से कंफ्यूज मत हो जाना तुम। अरे हमारे दौर में तो शौहर का नाम लेते ही इतनी शर्म आती थी। तू तड़ाक तो दूर की बात है। वैसे एक बात बताओ, शादी से पहले तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग थी क्या? अंकल कहाँ हैं? घर पर होंगे ना? उन्हें भी आप बुला लेती। हेलो, सो के उठ गए क्या तुम? जो सामने वाला फ्लैट नहीं है, जिस लड़के को मैं कुंवारा समझती थी वो शादीशुदा निकला, वहीं पे बैठी हूँ, वहाँ आ जाओ तुम और जल्दी आना, देर मत लगाना, चाय बना के रखी उन्होंने। ठीक है, आ जाओ जल्दी। आ रहे। चाय।
अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इतना मना किया है घर से बाहर ये वाली हरकत ना किया करो। अच्छा और बताओ कैसी लगी बिल्डिंग तुम लोगों को? कैसे लगे यहाँ के लोग? किसी ने तंग मंग तो नहीं किया तुम लोगों को? नहीं नहीं सब बहुत ही अच्छे हैं। 304 वाले बहुत लाउड हैं। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ ना यार तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहती हो, पड़ोसियों को मैं ज्यादा बेहतर जानता हूँ। संडे को भी तुम 8 बजे उन्हीं की वजह से उठ के बैठ गई थी। आंटी बिचारी को एक ही दिन तो मिलता है पूरे हफ्ते में, वरना लंबा सोती है 1 से 2 बजे तक। याद नहीं है तुम्हें? ऊपर वाले उधम मचा रहे थे और नीचे वालों के बच्चों को टायर से हवा निकालने की वजह से डांट पड़ रही थी। बहुत ही शरारती बच्चे हैं आंटी। 808 वालों ने, 406 वालों ने और पूरे ब्लॉक सी ने उन बच्चों की कंप्लेन की थी। अब आप 304 में मेरी बेटी रहती है। तुम लोग की शादी को कितना अरसा हुआ है? 2 महीने। ओ भैया इतनी जल्दी तुमने अपना फ्लैट भी अलग कर लिया, बहुत जल्दी में जा रहे हो। ये मेरा फैसला था भाई। हमारे जमाने में अलग घर लेने का मतलब था कि घर को तोड़ना है। शुक्र है वक्त के साथ साथ लोग भी बदल गए हैं। आजकल के जमाने में ये हाउस हस्बैंड वाली बातें हैं भाई, हमारे वक्तों में तो ये बातें नहीं होती थी। तुम बताओ। अरे हाँ ना अंकल, आप ही बताएं। आयशा तुम क्या करती हो? मैं एक MNC में ABM। फिर तो बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती होगी भैया तुम्हें। 1-2 लाख तो मिलती होगी ना, है ना? इस सैंडविच लीजिए ना। बच्चे हैं गरम पानी से नहाया करो। हमारे तो माशाल्लाह 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हनीमून पे कहाँ गए थे तुम लोग? तेल लगाया करो टखनों और घुटनों के बीच में। वो दिखाई में क्या दिया था जैन ने तुम्हें? सास को नौकरी पे एतराज नहीं? अभी जॉब अप्रूव्ड है। हल्दी और उत्तन का मास्क लगाया करो, चेहरा चमकेगा। हिल जाते हो गेम। तैयार होके रहा करो, सब अच्छा चलेगा। तुम्हारे पसंद है? हाँ ये खाते हैं। जैन से ज्यादा काम मत कराया करो, ये ना हो कि बाहर कोई और ढूंढ ले। वैसे अंकल इस बच्चे को टायर से हवा निकाल कर क्या मिलता होगा? याद रखना तुम लोग। हाँ और वो मेरी उपटन वाली बात जरूर याद रखना। जा रहे हैं, खुदा हाफिज़। रुक गए तो सही आ रहा है। कसम से जान का बुखार थी ये आंटी यार। लेकिन ऐसी आंटियां होती क्यों? चाय प्याली की मैचिंग तक सलीका आता है, पर्सनल सवालात की मशीन गन। ब्रो अगर आइंदा किसी राह चलती आंटी को हेलो हाय की ना तो मैं अपनी माँ के घर चला जाऊंगा। मेरा तो सर फट रहा है। अरे आयशा मैं तुम्हें ग्रेड ए प्लैटिनम लेवल की एक गॉसिप सुनाता हूँ। तौबा तौबा इनकी उम्र देखो और हरकतें देखो। Hi guys, hope you like the 3rd episode of Just Married. By the way, क्या आप लोगों की लाइफ में कोई भी पर्सनल सवालात की मशीन गन चलाते हैं? अगर चलाते हैं तो हमें ये वाली एपिसोड जरूर दिखाइएगा। और हमको थोड़ा सा रियलिटी चाहिए। Our next episode is coming out on 29th of January. Till then, make sure you hit like and share this episode with your friends. Follow us on Instagram and stay tuned to Feeling.